भाई स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो हाइड करने के तरीके के बारे में, तो विदाउट एनी एप्लीकेशन के। तो सिंपली से आप फाइल मैनेजर में आपको खोल लेना होगा अपना फाइल मैनेजर जो अपने फ़ोन का है। तो उसमें मैं आपको कई तरीके बताऊँगा, दो तरीके जिससे आप अपनी वीडियो को हाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप इंटरनल स्टोरेज में गए, तो आप कोई भी वीडियो या सॉन्ग या कुछ भी चीज़ होती है जो एप्लीकेशन होती है, अगर आप उसको हाइड करना चाहते हैं, तो मान लीजिए ये है तो मुझे ये हाइड करना है ना, तो ये कहीं शो ना करे, तो इसमें टैप करेंगे तो यहाँ पे आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है एंड रीनेम पे जाना है ना। तो रीनेम पे जाके मान लीजिए अगर ये वीडियो होता है या तो उसका MP4 यहाँ से डिलीट कर देते हैं और सेव कर देते हैं, और MP3 है तो इसको भी यहाँ से हटा देंगे, या कोई एप्लीकेशन होता तो यहाँ से APK हटा देते हैं तो ये जो है वायरस बन जाएगा ना, तो ये कहीं शो नहीं करेगा। तो मान लीजिए मैंने हटा दिया MP3, तो यहाँ से आप चेंज कर दिया है ना, तो ये देखेंगे आप जो ये गाना था ये पूरा वायरस बन गया। अगर ये वीडियो होता तो वीडियो भी ऐसे वायरस हो जाता, ये कहीं शो नहीं करेगा ना आपके फाइल वीडियो प्लेयर या कहीं पे नहीं शो करता। अगर फिर आप देखना चाहें, इसको सुनना चाहें या इंस्टॉल करना चाहें एप्लीकेशन, तो इसको फिर टैप करना है यहाँ पे रीनेम पे जाके इसको MP3 कर देना है ना, MP3 करना है यहाँ पे आपको रीनेम कर देना है, फिर चेंज पे क्लिक कर देना है, तो ये जो है आपका जो साउंड है या वीडियो होगा या कुछ भी वो आपका यहाँ पे शो करेगा है हर जगह पे। तो एक ये तरीका था। मान लीजिए आप एक और तरीका होता है जैसे कि आप कोई चीज़ हो, कोई पिक्चर या वीडियोस हो है ना, कोई सा भी चीज़ हो, तो आपको यहाँ से आपको दबा रखना है, यहाँ पे आपको कॉपी करना है एंड यहाँ पे इंटरनल स्टोरेज में जाके अपने एंड्रॉयड में जाके यहाँ पे डाटा में जाके आप यहाँ पे किसी में भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया, तो ये जो है यहाँ पर हाइड हो जाएगा है ना, तो ये कहीं शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यन शो करा, तो ये कहीं भी बिल्कुल ही शो नहीं करेगा, या वीडियो हो या पिक हो या कोई भी, तो ये शो नहीं करेगा है ना। ये तो एक तरीका था। दूसरा और मान लीजिए आपके पास कोई ऐप लॉक हो या सिस्टम हो, तो आप इसको अपनी जो गैलरी को हाइड लॉक लगा सकते हैं या इसको हाइड कर सकते हैं, आपके सिस्टम में होगा हाइड करने का, तो ये ऐप को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए आप MX Player को ओनली छोड़ देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको एक सिस्टम मिलता है वीडियो हाइड करने का, तो इसमें आप वीडियो को हाइड कर लीजिए और उसको ऐप को हाइड कर लीजिए, तो आपको कोई नहीं समझ पाएगा कि वीडियो जो है इसमें हाइड की हुई है ना। तो मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे आपको लॉकर में जाना है, तो मान लीजिए वीडियो है एक, इसको यहाँ से आप हाइड कर लीजिएगा और वहाँ पे जो वीडियो प्लेयर है उसको हाइड कर दीजिएगा, वीडियो प्लेयर को या लॉक लगा दीजिए उस पर, तो कोई समझ नहीं पाएगा ना। तो यहाँ से आप इसको वीडियो को यहाँ पे आपको एक हाइड का ऑप्शन मिलता है, तो आप यहाँ पे हाइड करके इसे अनहाइड भी कर सकते हैं ना। तो यहाँ देखिए हाइड वाला ऑप्शन है, यहाँ पे मेरा शो नहीं करता है ना, तो यहाँ से आप इसको हाइड कर सकते हैं। और एक दोस्तों ने जो कि सबके पास MX यो बिडमेट तो होता है, ये बिडमेट एप्लीकेशन जो कि कोई ना कोई वीडियो डाउनलोड करते हैं यूट्यूब की बिडमेट से, तो वहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन मिलता है वीडियो हाइड करने का, तो आप वहाँ से भी इसको ओपन करके वहाँ से भी आप उसको हाइड कर सकते हैं ना। यहाँ पे आप डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो यहाँ पे आपको प्राइवेट ऑप्शन मिलना है, आपको यहाँ प्राइवेट मिलना है, तो यहाँ से आपको इसको थोड़ा अपडेट कर देना होगा। अगर आपका अपडेट नहीं हुआ होगा या तो नहीं अपडेट होगा, तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं और अपनी वीडियो जो है हाइड कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, और चैनल को पहली बार तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।